लखनऊ में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया स्वागत, जेपी नड्डा ने भी सुनी पीएम मोदी की मन की बात। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम, महिला हाफ मैराथन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे सीएम, राजधानी के दुबग्गा चौराहे में मैराथन कार्यक्रम का आयोजन। यूपी के मथुरा जाएंगे गृहमंत्री अमित शाह, आज ढाई घंटे मथुरा में रहेंगे गृहमंत्री अमित शाह, सदगुरु कुटीर में दोपहर का भोज करेंगे अमित शाह। मेरठ में दलित पार्षद के एमएलसी मंत्री से पिटाई का मामला, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पार्षदों के घर पहुंचे, दलित पार्षद आशीष और कीर्ति से की मुलाकात, हर संभव मदद का दलित पार्षदों को दिया आश्वासन। प्रयागराज में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर खुशी की लहर, छोटे छोटे बच्चों ने जैसे आराम के लगाए नारे, पीएम मोदी और सीएम योगी को कहा धन्यवाद। महाराष्ट्र के संभाजीनगर हैंड ग्लव्स फैक्ट्री में लगी आग, छत्रपति संभाजीनगर में हैंड ग्लव्स फैक्ट्री में आग लगी, छह लोगों की जलकर मौत, चार मजदूरों ने बचाई अपनी जान, घटना के समय फैक्ट्री में सो रहे थे 10-15 वर्कर। यूपी में कपाने वाली ठंड से जूझ रहे हैं लोग, पूरा प्रदेश गलन और सर्दी से जूझ रहे हैं लोग, यूपी लखनऊ समेत कई शहर सबसे ठंड। अयोध्या में इकबाल अंसारी ने पीएम पर बरसाए फूल, बाबरी मस्जिद के पक्षकार हैं इकबाल अंसारी, साथियों के साथ पीएम के रोड शो में शामिल हुए अंसारी। प्रयागराज विभाग के एसडीओ की मनमानी, सरकारी योजनाओं को अधिकारी दिखा रहे ठेंगा, घंटों लाइन में इंतजार करने को मजबूर उपभोक्ता, मीसा तहसील के सरसा विद्युत उपकेंद्र पर है तैनाती। काशी में न्यू ईयर पर श्री काशी विश्वनाथ में दर्शन के नए नियम लागू, समय के पहले दिन बाबा विश्वनाथ के नहीं हो पाएंगे स्पर्श दर्शन, बाबा विश्वनाथ की झांकी के ही होंगे दर्शन। अयोध्या में 22 जनवरी को भव्य मंदिर में विराजमान होंगे प्रभु श्रीराम, प्राण प्रतिष्ठा में पीएम मोदी होंगे शामिल, अयोध्या को सुंदर नगरी में स्थापित करने का लिया था संकल्प, आज की अयोध्या नए भारत की नई अयोध्या। अमरोहा पुलिस ने शुरू की नई पहल, बुलेट में पटाखे वाला साइलेंसर लगाने वालों पर कार्रवाई, पटाखे से साइलेंसर निकालकर थाने के सामने चलाया रोल। नगर निगम बना जौन का अखाड़ा, बोर्ड बैठक की मीटिंग में हुआ हंगामा और मारपीट, बचाव में मत से जमे भारद्वाज ने चिकरे, मंत्री सुमित तोमर भी मीटिंग में थे मौजूद। यमुनानगर में विकसित भारत संकल्प यात्रा, मुबारकपुर गांव पहुंची भारत संकल्प यात्रा, मंजी कंवर पाल ने किया जनसभा को संबोधित। बीजापुर में महिला को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला, महिला का पूरा शरीर जलकर हुआ खाक, दुकान का संचालन करती थी महिला। कोरबा में अज्ञात ट्रेलर की चपेट में आया बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल, घायल युवक को फौरन जिला चिकित्सालय लाया गया। कोरबा पुलिस की अपील, शांतिपूर्वक मनाए नववर्ष, जिले के सभी पर्यटन स्थलों पर रखेंगे पैनी नजर, शराब पीकर वाहन चलाने पर होगी कड़ी कार्रवाई, सभी चौक चौराहों पर तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी जवान तैनात। मोहब्बत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना पर चोरों की नजर, चोर गैंग ने नमामि गंगे योजना पर किए हाथ साफ, लाखों की कीमत के लोहे की पाइप बरामद। रोपड़ गांव घनौली के बैरियर के पास सड़क हादसा, सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकराई कार, हादसे में एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। मोगा रोड पर युवक का शव मिलने से हड़कंप, गांव तले की मेन रोड, शव मिलने से सनसनी, नौकरी के लिए विदेश जाने वाला था युवक। जयपुर में इकोलॉजिकल जोन में अवैध निर्माण, बिल्डरों व भूमाफियाओं की मिली भगत, जयपुर विकास प्राधिकरण की जोन में अवैध निर्माण। डोवाला में लच्छीवाला फ्लाईओवर पर हुआ भीषण हादसा, तेज रफ्तार दो कारों में आमने सामने हुई टक्कर, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डोईवाला पुलिस। धनोल्टी काड़ाताल व बुराश खंडा के पर्यटकों का जमावड़ा, मौसम की बेरुखी पर्यटकों को कर सकती है मायूस, मौसम विभाग ने आगामी दिनों को लेकर जताई आशंका। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का चंदौली दौरा, निषादों को एकजुट करने में जुटे संजय निषाद, 13 जनवरी को रमाबाई पार्क में मनाएंगे संकल्प दिवस। एटा में युवक ने युवती से फेसबुक पर प्यार कर की शादी के 15 दिन बाद आरोपी पति ससुराल ने युवती की हत्या की, शव जलाने के बाद युवक सहित परिवार फरार।